Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and a very very warm welcome नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग ठीक ठाक होंगे और वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, इन्जॉय किया होगा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली के साथ और अपना अपने घर वालों का ख्याल रखा होगा। और जो पिछले हफ्ते की चीज़ें बनाई थी आई होप वो आप लोग ने यकीनन ज़रूर ट्राई की होंगी, और अगर ट्राई की हैं तो मुझे ज़रूर कॉल करके बताइए कि कैसी बनी, क्या बनाया। उससे मुझे थोड़ा सा बूस्ट मिलता है कि आप लोग ट्राई करते हो, चीज़ें सही बनती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ज़रूर मुझे कॉल करके बताया करें। अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लास्ट वीक मुझे प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड मिला था कॉन्क्लेव की तरफ से, और इस सैटरडे को मुझे ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है ये बिज़नेस इंटरनेशनल की तरफ से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम मेरे चाहने वालों की, मेरे अल्लाह ताला की, मेरे माँ बाप की दुआएं इसमें शामिल हैं, और बस यही कह सकती हूँ कि सब में पहले मेरे अल्लाह ताला का मुझ पर बहुत एहसान है, बहुत करम है जो उसने मुझे इतनी इज्जत बख्शी दी है और इस यहाँ तक पहुँचाया है मुझे। अल्लाह का बहुत एहसान है और जितना शुक्र करूँ मैं अल्लाह ताला का बहुत कम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, आप लोग मेरे लिए इतनी दुआएं करते हो, इतना मुझे अप्रिशिएट करते हो, मेरी रेसिपीज़ को अप्रिशिएट करते हो, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। आज पीर वाला दिन, नया हफ्ता, और हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की चिकन देगी, और ये चिकन देगी हम बनाएंगे बोनलेस चिकन के साथ। ठीक है, और हम बनाएंगे सब्स पुलाव। सब्स पुलाव मींस वेजिटेबल पुलाव, मतलब ठीक है हरियाली मिक्स वेजिटेबल पुलाव। और हम बनाएंगे मिंट चिप ब्राउनीज, मिंट चॉकलेट चिप्स अगर मिल जाएं आपको तो आप बिल्कुल वही डालिएगा, लेकिन इसका मैं एक अल्टरनेटिव बता देती हूँ आपको। अगर नहीं मिलता है तो मिंट चॉकलेट मिलता है, मैं आपको नाम नहीं ले सकती, लेकिन ग्रीन इस तरह के डब्बे में होता है और अंदर मिंट होता है उस चॉकलेट के अंदर, आप उसके छोटे छोटे पीसेस करके आप वो चॉकलेट ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मिंट चॉकलेट चिप हम ऊपर से डालेंगे, और जो हमारी चॉकलेट चिप्स हैं एक कप उसको हम मेल्ट करेंगे, और वो फिर हम उस मेल्ट नहीं करेंगे, उसमें डालेंगे अपने मेल्टेड बटर और पानी के मिक्सचर में, और फिर उसको हम मिक्स करेंगे ताकि वह मेल्ट हो जाए, फिर उसमें करें। बहुत आसान ब्राउनीज़ हैं, बहुत इजी ब्राउनीज़ हैं, और ये उन लोगों के लिए बहुत मज़े की है जिसको मिंट का फ्लेवर पसंद है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का स्टार्ट करते हैं। ओके, मिंट चॉकलेट चिप ब्राउनीज। ठीक है, हमें अपना ओवन को प्री हीट करना है 180 डिग्रीज पे, वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमको अपनी 9 इंच की ग्रीस्ड स्क्वायर पैन लेना है, और उसको हमें अच्छी तरह से हम ग्रीस कर लेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक प्याले में शुगर, बटर और पानी। ठीक है, कितना कितना लेंगे, 3/4 कप हम लेंगे शुगर, और 4 ounces लेंगे हम लूर पाक का बटर, जो कि बेहतरीन बटर है। हर चीज़ में आप इस बटर को यूज़ कर सकते हो, बेकिंग में, कुकिंग में, फ्राइंग में, शैलो फ्राइंग में, बघार तड़का देने में, हर चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके, हम ले रहे हैं चीनी 3/4 cup, दैट इज 6 ounces। ठीक है, ये हो गया। फिर हम इसमें डालेंगे
पानी 2 टेबलस्पून और लूर पाक का बटर, ये मेरे पास अनसॉल्टेड बटर है, ये कम है 4 ounces से, हम दूसरा पैकेट लेंगे। ये सॉल्टेड बटर है, इसलिए मुझे सॉल्ट डालना है 1/2 teaspoon, तो मैं नहीं डालूंगी। ओके, 200 ग्राम्स का पैकेट है, दैट्स 8 ounces, बीच में से आप आधा कर लीजिए तो वो 4 ounces हो जाएगा। हमने इसमें डाल दिया 4 ounces बटर, लूर पाक का, हर जगह बसानी दस्तियाब है, बड़ी सी बड़ी ग्रोसरी स्टोर पे, छोटे से छोटे स्टोर पे, हर जगह लूर पाक का मक्खन बहुत आसानी से दस्तियाब है, सॉल्टेड, अनसॉल्टेड, स्प्रेडेबल, हर जगह। सुबह नाश्ते में खाएं, स्प्रेड करके खाएं, सैंडविचेस पे लगाएं, हर चीज़ के लिए परफेक्ट। अच्छा, इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून वाटर, ठीक है, अब मैं इसको डाल रही हूँ माइक्रो में 2 मिनट के लिए। देखिए 2 मिनट के लिए मैंने इसको डाला है, 1 मिनट के बाद मैं खोल के चेक करूँगी। फिर जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसको निकाल के इसमें 1 कप चॉकलेट चिप्स डालेंगे, ये वाले प्लेन वाले चॉकलेट चिप्स, और ये जो मेरे पास रखे हुए हैं ये मेरे पास मिंट चॉकलेट चिप्स हैं। अभी टाइम लगेगा, अभी बटर नहीं मेल्ट हुआ है। 4 ounces बटर, 6 ounces कैस्टर शुगर, 2 टेबलस्पून वाटर, इसको लेके आपने इसमें डाल दिया। यहाँ पे ब्रेक आ चुकी हूँ, मैं बढ़ रही हूँ ब्रेक की तरफ, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी, विल बी राइट बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे मैं जल्दी से आपको एक दफ़ा रिकैप कर रही हूँ। मैंने लिया था 4 ounces ऑफ बटर, लूर पाक का सॉल्टेड बटर, उसमें मैंने 6 ounces 3/4 कप मैंने इसमें चीनी डाल दी, कैस्टर शुगर बारीक वाली, और मैंने इसमें 2 टेबलस्पून डाला पानी। तीनों चीज़ों को मैंने एक प्याले में डाल के माइक्रो कर लिया फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। और मेरा थोड़ा कम टाइम लगा था, 1 minute and 30 seconds में मैंने निकाल लिया। फिर उसी में गरम था वो, मैंने उसी में 1 कप पूरे चॉकलेट चिप्स डाल दिए और उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जब तक ये मेल्ट हो गया। कॉलर है इंटरनेशनल, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड मॉर्निंग आंटी, हाउ आर यू? आई एम गुड बेटा, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस अगेन, वंस अगेन। थैंक यू, थैंक यू, वेरी वेल डिजर्व्ड, वेरी वेल डिजर्व्ड। Thank you, beta. Thank you so much. Auntie, when you will teach butter chicken biryani, please? It's coming very soon. Most probably next week or next to next. Very soon. Okay. Thank you so much. Okay. I have not yet tried your butterfly prawns. I'm just waiting to go to the fish market and get the prawns. Okay. You then must try and tell me. I will send you the picture. Okay. I tried your hunzai handi yesterday. It came out awesome.
tell me one thing, auntie, if it's become too very spicy, what do I put to cut down the spice level? Yeah, cut down the chili powder and the allspice powder. Nee, abhi to already banaya. Now I've already made it. So, is there any way we can bring down, I can bring down the spice level? Aap thoda sa lemon juice dal do ya thodi si 2-3 tablespoon dahi phet ke dal do, phir uske baad cook nahi karna. Garam mein phet ke dalna. ठीक है, फिर आपने इसमें जल्दी जल्दी चॉकलेट चिप्स एक कप डाले और उसको मिक्स कर लिया, ये मेल्ट हो गया. अब मैं इसमें 2 अंडे शामिल करूंगी और उसको बीट करूंगी. एक अंडा डाला आपने, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया. फिर दूसरा अंडा डालूंगी मैं और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आप कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा. आपा वेलकम टू द शो. आपा बहुत शुक्रिया बेटा. आपा हमेशा की तरह रेसिपीज बहुत अच्छी है, लेकिन आपा इससे पहले मैं आपको आपके अवार्ड मिलने की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और आपके लिए यही दुआ है कि आपकी कामयाबियों का और आपकी तरक्की का यही सफर हमेशा जारी सारी रहे और अल्लाह ताला इस कामयाबी को हमेशा ताजम कायम रखे. आमीन सुम्मा आमीन. और आपा अवार्ड की जरूरत तो उन लोगों को भी होती है जो लोग काम मेरे ख्याल से नहीं भी करते, कि वो उससे बूस्ट मिलता है. लेकिन आपा अवार्ड मिलना, मैं ये समझता हूँ, हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि आपको एक एनर्जी आ जाती है आप में कि आपने इससे मजीद बेहतर काम करना है. तो आप आज 15 साल हो गए हैं शो को चलते हुए, आप बहुत ज्यादा माशाल्लाह बेहतर से बेहतर काम की तरफ तवज्जो दे रही है. मतलब बहुत सारे सितारे हैं आपा मसाला पे, लेकिन आप उसमें चांद हो और ये चांद हमेशा चमकता दमकता और हमेशा कायम दायम रहे. थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया. जीते रहिए, खुश रहिए. और आपा मैं आप वीकेंड के ऊपर आपा मैंने आपकी जो है कोयला कढ़ाई बनाई थी, इट वाज जस्ट डिवाइन. आपा अच्छी बनी थी ना, बहुत इजी थी, क्विक बनी और सारी चीजें घर पे ही मौजूद थी, उससे बन गए. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू बेटा, जीते रहिए. अच्छा जी, ये दूसरा अंडा चला गया, इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये पूरा अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट हो जाए. अब मैं इसमें 2 एसेंस डालूंगी, एक वेनिला एसेंस जाएगा, एक पेपरमिंट एसेंस जाएगा. मिंट या पेपरमिंट एक ही चीज़ है. ओके, वेनिला एसेंस जाएगा 1 टीस्पून. और पेपरमिंट एसेंस जाएगा 1/2 टीस्पून. इसको भी ज़रा सा मिक्स कर दीजिए. अब इसमें हम डालेंगे मैदा, बेकिंग सोडा और नमक. लेकिन मैं नमक नहीं डालूंगी बिकॉज मेरा जो बटर था आलू पाक का वो सॉल्टेड था. ठीक है. अच्छा, इसमें जा रहा है मैदा 1/4 कप. और 1/4 कप. इसमें बेकिंग पाउडर नहीं जाएगा, इसमें जाएगा बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून. बिल्कुल लो स्पीड पे आप इसको फोल्ड कर दीजिए.
अब हम इसमें एक कप डालेंगे मिंट चॉकलेट चिप्स, थोड़े से अंदर डाल रही हूँ, हाफ कप अंदर। ये मिंट चॉकलेट चिप्स आते ही ऐसे ही हैं, इसी तरह चिप्स बने हुए आते हैं, राउंड नहीं होते हैं। अच्छा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया आपका, इतनी दूर से आप कॉल कर रही हैं। जी कांग्रेचुलेशंस फॉर अवार्ड। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपने बनाई ना, बहुत मसालेदार थी ना? जी नहीं, मैंने थोड़ा कम डाला, बच्चे नहीं खाते ज्यादा मिर्च। अच्छा, बहुत टेस्टी थी। ओके थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी दूर से कुवैत से कॉल की, जजाक अल्लाह, खुश रहिए। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, आपने एक चीज नोट की, मैंने सॉल्ट नहीं डाला है, इसलिए नहीं डाला है कि मैंने सॉल्टेड लूरपाक का बटर यूज किया है। अच्छा बेटा, इसको आपने अच्छी तरह पूरा निकालना है। और ये जो मेरे पास बचे हुए चॉकलेट चिप्स हैं आधा कप, ये मैं ऊपर से डाल रही हूँ। ठीक है, अब आप इसको 180 डिग्रीज पे बेक करेंगे फॉर 25 to 30 minutes। इसी के साथ हम ले रहे हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे, आके पुलाव स्टार्ट करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारी मिंट चिप ब्राउनीज हमने ओवन में डाल दिए। 25 मिनट्स के बाद मैं उसको चेक करूँगी, या ज़्यादा में ज़्यादा 30 मिनट्स लगेगा। 180 डिग्रीज पे इंशाल्लाह ताला ये हो जाएंगी। ठीक है, निकाल के आप उसको ठंडा करेंगे, फिर आप उसको स्क्वायर पीसेस में काट के और सर्व कीजिएगा। अच्छा, अब हम आ गए हैं सब्स मसाला पुलाव। ये बहुत डिफरेंट पुलाव है, आप देखिए। मैंने आपको 2-3 तरीक़ों से सब्ज़ी की बिरयानी, नौरतन बिरयानी, सब्ज़ी पुलाव बहुत तरीके से सिखाएं। ये बिल्कुल अलग है और इसमें हरा मसाले का नाम ही नहीं है। इसका एक मसाला पिस्ता है, वो मैं पीस के लाई हूँ। अब आप सुनिए, मैंने सब में पहले इसमें आधा कप तेल डाला। मैंने कहा खड़े खड़े मैं टाइम ज़ाया हो रहा था, तो मैंने उसमें एक कप जितनी प्याज डाली। और ये देखें, प्याज को हमको इस तरह से इतना लाइट गोल्डन कर लेना है। ठीक है, प्याज मेरी यहाँ खड़े खड़े गोल्डन हो गई है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं डालूँगी तेज़पत्ता एक अदर। ठीक है, एक तेज़पत्ता चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, और हम इसमें डालेंगे नमक और पिसावा मसाला। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ कि प्याज एकदम से और ना जल जाए, बिकॉज मुझे आपको समझाना है वो पिसावा मसाले में मैंने क्या क्या पीसा है। ठीक है, अच्छा देखें,
मसाले में मैंने क्या क्या पीसा है, अदरक लहसुन नहीं डाला था इसमें, अदरक लहसुन ये रखा हुआ है 2 टेबलस्पून, ठीक है, ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन चला गया। अब इसमें मुझे सौंफ लेनी है 1 चाय का चम्मच, कोई भूनना भानना नहीं है, सौंफ 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत बटन रेड चिलीज जो हम बघार में डालते हैं गोल वाली वो 4 से 6, जितनी आपको तेज़ी पसंद है, कम खाते हैं 4 डालें वरना 6 डालें, मैंने 6 डाली है। उसके बाद में धनिया पाउडर 1 टीस्पून, दालचीनी का 1 टुकड़ा छोटा सा 1 इंच स्टिक, 4 लौंग 4 काली मिर्चें साबुत ब्लैक पेपर और 1 बड़ी इलायची, ये सारे मसाले मैंने छोटा कॉफ़ी ग्राइंडर में पीस लिया। फिर बता देती हूँ, सौंफ 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत लाल मिर्चें 4 से 6, उसके बाद में धनिया पाउडर 1 स्टिक 1 टीस्पून और दालचीनी का 1 टुकड़ा 1 इंच का, 4 लौंग 4 साबुत काली मिर्चें और 1 बड़ी इलायची छिलके के साथ, ये सब मैंने पीस लिया था, ज़बरदस्त, ठीक है, पूरा इसमें डाल। ना इसमें दही है, ना इसमें टमाटर है, कुछ भी नहीं, ये मसाला डाल दिया। अब मसाले को ज़रा सा हम भूनेंगे और हम इसमें डालेंगे सब्जियाँ, आलू 2 क्यूब्स में काट के, गाजर लंबाई में काट के फिंगर्स में, ठीक है, गाजर आपने डाल दिए 2 गाजर लिए थे मैंने, अच्छा। इसके बाद आप इसमें फूलगोभी डाल लीजिए मोटे पीसेस, ठीक है, फिर मैं इसमें डालूंगी फ्रेंच बीन्स या सेम की फली, जो भी मेरे पास आज फ्रेंच बीन्स हैं, 10 से 12 ली थी, उसको मैंने इस तरह से 1-1 इंच के पीसेस में काट लिए। मटर मैं एंड में डालूंगी बिकॉज मेरे मटर बॉइल्ड हैं, अगर आप ताज़े मटर डाल रहे हैं तो इसी के साथ डाल दीजिए। कोई टमाटर नहीं है, कोई दही नहीं है, कुछ भी नहीं, सस्ता सस्ता पुलाव, और ये आप दावतों में भी बना सकते हैं, अगर आपके घर में दावत है और आप उसमें चिकन बना रहे हैं, गोश्त बना रहे हैं, कीमा बना रहे हैं, फ्राई बना रहे हैं, तो उसके साथ आप सब्ज़ी की बिरयानी या सब्ज़ी का पुलाव रख सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 2.5 कप पानी और नमक, नमक नहीं डाला है, तीन टीस्पून नमक है आई थिंक, जी चावल का भी नमक इसी में जाएगा, इस पे आप दम पे
जब ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, जब हम चावल डाल लेंगे, तो आप इसमें बैगन, अगर पसंद है आप लोगों को तो बैगन भी डाल सकते हैं इतने छोटे छोटे क्यूब्स करके, जिस तरह हमने फूल गोभी के क्यूब्स किए, ठीक है। इतना आप एक बैगन ले लीजिएगा, बैगन भी जा सकता है, ठीक है। ओके, ये हमने डाल दिया है। अब जैसे ही हमारी सब्ज़ी गलेगी, हमने चावल भिगो लिए हैं आधा किलो 500 ग्राम, चावल का पानी निकाल के हम इसमें चावल डालेंगे और फिर हम देखेंगे कितना पानी चावल के लिए जाएगा, तो उस हिसाब से मैं पानी शामिल करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे जब तक ये सब्ज़ी हो रही है, ब्रेक आ चुकी है, तो हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आप देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। और यहाँ पे हमने जो इसको कवर करके रखा था सब्जियाँ डाल के, अभी नहीं हुई है सब्जियाँ, इसको और लगेगा 10 मिनट। तो जब तक हम देगी चिकन पे आ जाते हैं और 10 मिनट के बाद हम इसमें मटर डाल देंगे और चावल डाल देंगे। अच्छा, एक आइडिया दे रही थी आप लोगों को इस पुलाव के मसाले के लिए। ये पुलाव का मसाला जो मैंने बनाया है, आप इस मसाले को चार ट्रिपल और फोर्थ हिस्सा करके आप इसको बॉटल में बना के रख दीजिएगा और लिख के उस पर रख दीजिएगा, फ्रीज़र में डाल दीजिएगा कि सब्ज़ पुलाव मसाला, सब्ज़ी का सब्ज़ पुलाव मसाला। तो उससे ये होगा कि आप को जब भी दिल चाह रहा है इस पुलाव बनाने का, तो आपको बार बार इतनी मेहनत ना करना पड़े। और मैंने क्या किया था, मैंने जब ये मसाला को पीसा तो उसमें मोटा मोटा बहुत कुछ था, तो मैंने उसको छान लिया और फिर जो छना हुआ बारीक निकला वो तो तैयार था, जो मोटा मोटा निकला उसको वापस से मैंने ग्राइंडर में डाला और वापस से पीसा और फिर उसको छान लिया। इस तरह जिस तरह मैंने आपको बताया गरम मसाला पीसने का, इसी तरह ये पुलाव का मसाला भी पीसेगा। इसको फिर आप बॉटल में भर के उस पर रख दें, सब मसाला सब्ज मसाला पुलाव। जब भी आपको पुलाव बनाना हो इतनी सब्जियों से और इतने आधा किलो चावल से, तो उसमें ये मसाला जाएगा 2.5 टेबल स्पून। ये एक जो मसाला बनता है वो 2.5 टेबल स्पून जितना बनता है, तो ये मैंने पूरा डाला है, ठीक है। और मैंने पूरा डाला है, तो आप जब बनाएं चार हिस्सों में डबल ट्रिपल करें, जितना आपको बनाना है बनाएं। और जब फिर पुलाव बनाएंगे तो 2.5 टेबल स्पून डालिएगा हीट, या 3 लेवल डाल दीजिएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब आइए देगी चिकन जी। ओ यस, थैंक यू सुलेमान। अभी नहीं हुई है हमारी ब्राउनी, थोड़ा सा बाकी। असल में इसमें चॉकलेट चिप्स मिंट के भी पड़े हुए हैं, और वो मेल्ट करके डाले ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वरना वो क्या होता है वो अंदर से ये ब्राउनी बड़ी अच्छी गुई गुई होगी और ये ब्राउनी बिल्कुल सूखी नहीं निकलेगी। इसको मैं 5 से 10 मिनट के बाद जब चेक करूँगी आपके सामने, तो वो जो मेरा केक टेस्टर है उसके ऊपर चॉकलेट लगी हुई आएगी। ओवर कुक नहीं करके सुखा दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। ओके, देगी चिकन, बोनलेस चिकन से मैं बना रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप हड्डी वाली मुर्गी ले लो, आधा किलो 10 पीसेस। ओके, इसके लिए भी आपको एक मसाला पीसना है, और मसाले में आपको खशखाश पॉपी सीड्स चाहिए 1 टेबल स्पून, 4 मगज़ यानी कि मेलन सीड्स चाहिए 1 टेबल स्पून, और 15 अनरोस्टेड काजू चाहिए आपको, ठीक है। ये यहाँ पे मेरे पास रखे हुए हैं, और इसी में मैंने आपको लाल लाल नज़र आ रही है लाल प्याज भी डाल दिए मैंने, आधा कप पिसी हुई, समझ आ गई, लाल प्याज आधा कप ग्राइंडर में डाल दिया, खशखाश 1 टेबल स्पून पॉपी सीड वो डाल दिया, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया 4 मगज़ मेलन सीड्स वो डाल दिया 1 टेबल स्पून, और 15 काजू, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने डाल के और पीस ली। अच्छा, मैंने अपने रेसिपी कार्ड में लिखा है
कि आप खशखाश को और मेलन सीड्स को यानी चार मगज को क्वार्टर कप पानी में भिगो के और फिर पीस लीजिए। लेकिन मैंने पानी में नहीं भिगाया था, इसलिए नहीं भिगाया था कि मैंने इसी में साथ ही लाल प्याज डाल दिया और ये इतना अच्छा बारीक पीस गया है। ठीक है, तो इसमें चार चीज़ें, अगर आपके कंट्री में जहाँ आप रहते हो वहाँ पॉपी सीड्स बैंड है, नहीं मिलती है, जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह में आपको नहीं मिलती है, तो मैंने इसमें 15 काजू डाले, आप पॉपी सीड्स के बजाय 25 काजू डाल दीजिएगा, यानी टोटल अमाउंट काजू का 25 होगा, पॉपी सीड्स निकाल दो। ठीक है, ओके। अब हम ले रहे हैं ऑयल 1/4 कप, क्वार्टर कप ऑयल लिया है मैंने। अच्छा, जब ये आपने मसाला पीस लेंगे तो आप उसी में लाल प्याज डाल के पीस लीजिए। ये देखें, ये पेस्ट में इसमें डाल रही हूँ, पूरा लाल प्याज और ये सारी चीज़ें पिसी हुई है मैंने डाल दी। इसके बाद मैं इसमें दही डालूँगी और दही डाल के मैं इसको अच्छी तरह भूनूँगी। दही जाएगी इसमें 1/2 कप भर के। फिर बाकी के मसाले डालेंगे। मैं 1 मिनट के लिए इसको बंद कर रही हूँ। मटर, पानी निकाल दीजिए। आधा किलो चावल है, 500 grams। जब चावल डालें तो तेज़ पत्ता निकाल दीजिए। अब मुझे इसमें और पानी डालना पड़ेगा, चावल से 1 इंच ऊपर आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब आप इधर आ जाइए। देगी चिकन 1/4 कप तेल लिया, उसमें मैंने सब में पहले शामिल कर दिया जो हमने पीस के रखा था सारा मसाला। ठीक है, और साथ में मैंने उसमें लाल प्याज भी पीस ली थी 1/2 कप, ये सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया। फिर इसके बाद हम इसमें दही डाली मैंने 1/2 कप, दही डाल के आपको इसको भूनना है और फिर चिकन डालनी है आपको और सारे मसाले। ओके, मसालों में क्या क्या डालेंगे हम, नमक 1 teaspoon, ब्लैक पेपर 1/2 teaspoon, चिल्ली पाउडर 1 teaspoon, गरम मसाला पाउडर 1/2 teaspoon, इलायची पाउडर छोटी इलायची का पाउडर 1/2 teaspoon। अच्छा, नमक 1 teaspoon, चिली पाउडर 1 teaspoon, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 teaspoon,
और हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, बटर लूट पाक का, दो आउंस डाल दीजिएगा। क्वार्टर कप ऑयल, टू आउंस बटर, अब लास्ट में इसमें मैं डालूंगी कसूरी मेथी, हरा धनिया और एक टमाटर अभी डाल रही हूँ उसमें, जो कि मैंने बॉईल किया था, छिलका उतार के उसको पीसा था, ये रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सदाब। अस्सलाम वालेकुम आपा जानू, कैसी हैं, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है आपा, आपकी कुकिंग का कसम से जवाब नहीं है, यकीन करें, कसम खुदा की दिल से दुआ निकलती है, इतनी अच्छी आप रेसिपीज बताती हैं ना, पता नहीं आप कहाँ से लाती हैं आपा, इतना खजाना है आपके पास। बस बेटा अल्लाह करवाता है, मैं कोई मेरी कोई अहमियत नहीं। आपा मेरी यकीन करें, कोई 10-12 डायरीज ना सिर्फ आपकी रेसिपी से भरी हुई हैं और मैं ट्राई भी करती हूँ। चले अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन बनती हैं। आपा मैं आपसे ये कह रही थी, मैंने ना आपके सारे मसाले बनाए भी हैं और क्या कहते हैं मतलब ट्राई भी किए हैं उसके साथ जो डिश होती है, लेकिन आपा मुझे मेरी नजरों से आपका सीख कबाब मसाला नहीं गुजरा अभी तक, तो शायद मिस हो गया है, आपने सिखाया था? मुझे याद नहीं है, मैं चेक कर लूँगी, अगर नहीं भी सिखाया है या फिर मैं अभी कराऊंगी ना इंशाल्लाह ईद से पहले, रमजान बकरा ईद से पहले, तो उसमें ऐड करूँगी सीख कबाब मसाला, ठीक है? जी जी आपा जरूर। आपा आपकी जो जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाती हैं उसमें आप क्या कहते हैं किस तरह से बनाती हैं कि वो ग्रीन नहीं होता? क्या ये जिंजर गार्लिक पेस्ट जो होता है, तेल डालें ना जब आप उसको पीसेंगी अदरक लहसुन पेस्ट, तो एक तो आपको करना ये है कि आप मोटा वाला लहसुन नहीं लेंगी, जो चाइनीज़ वाला लहसुन वो आता है वो आप कभी भी नहीं यूज़ किया करें, वो हरा करता है, देसी लहसुन अच्छा। लिया करें हाँ, और जब अदरक अच्छा। लहसुन पीसते हैं, मेरा रेशो ये है, एक पाव अदरक लूँ, एक पाव लहसुन, उसमें नमक डालती हूँ 1 टीस्पून, और क्वार्टर कप तेल डाल के उसको मैं पीसती हूँ, कभी भी ग्रीन नहीं होगा। क्वार्टर कप, ठीक है आपा, ठीक है आपा, बहुत शुक्रिया आपा, खुश रहें, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। अच्छा जी अब इसमें जा रहा है देगी चिकन के लिए, चिकन चली गई है, अब चिकन को मैं अच्छी तरह भून रही हूँ, 5 मिनट इसमें ब्रेक आ चुकी है, भूनने के बाद 5 मिनट के बाद मैं इसमें 1 कप दूध जाएगा, ठीक है, और कसूरी मेथी जाएगी, दूध जाएगा, और इसको हम कुक करेंगे दम पे, मिलते हैं आपसे ब्रेक। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने चिकन देगी का जो लास्ट स्टेप था इसमें मैंने दूध शामिल कर दिया था 1 कप, मैंने पानी नहीं डाला है, ये देखें प्लीज़, इसको आप शीर माल से और ताफ्तान से खाइए, बस इसका चूल्हा बंद हो गया, ठीक है, दिस इज़ डन। थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा, और अगर आप डालना चाहें, ठीक है, बहुत से लोगों को नहीं पसंद लेकिन मुझे बहुत पसंद है, अगर आप डालना चाहें तो इसमें आप 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डालेंगे, एसेंस नहीं, अगर एसेंस है आपके पास केवड़ा का तो 2 कतरे डालिएगा, बहुत नहीं डालिएगा कड़वा हो जाएगा, वरना बेहतर है केवड़ा वाटर 1 टीस्पून, ठीक है। अच्छा ये देखें मैंने वो निकाल दिया है अपना मिंट ब्राउनीज़, और ये देखें अगर क्लोज़अप दिखा दो प्लीज़ इसका केक टेस्टर का, इसके टेस्टर पे देखें हल्की सी चॉकलेट लगी हुई है, तो ये ऐसे ही निकलेगा, आप इसको मज़ीद और नहीं छोड़ दीजिएगा कि ये बिल्कुल साफ़ निकलेगा, ये बिल्कुल साफ़ नहीं निकलेगा, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम आपा जी, जी जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम,
कैसी हैं आप पापा? अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपा, आपका शो बहुत ही अच्छा है। और आपा, आपसे एक सवाल पूछना था। जी पूछिए। आपा, ये ऑलिव ऑयल की इसमें तो बहुत सारी किस्में आ रही हैं, और तो अभी ये पता नहीं चल रहा कि खाने का ऑलिव ऑयल तो ये पता है, लेकिन ये बॉडी पर इस्तेमाल करने के लिए कौन सा ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें? एक्स्ट्रा लाइट या एक्स्ट्रा वर्जन? एक्स्ट्रा लाइट या एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल। जी थैंक यू आपा। वेलकम जी। बस ये तैयारी पे है, थोड़ा सा इसमें कसर है, थोड़ी सी 7-8 मिनट बस, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, थोड़ा सा गीलापन है, ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल चावल खिले खिले होंगे, ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं बहुत ही सिंपल रमज़ान के लिए, ख़ासकर आप हर कोई लाल शरबत इस्तेमाल करता है रमज़ान में, हर कोई 90% लोग रमज़ान में लाल शरबत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि आपको लेना है हर्बियन का इसबगोल, और आप यकीन करें इसका नेचुरल फ्लेवर आपको बहुत अच्छा लगेगा इफ्तार के टाइम पे, पूरी आपकी यहाँ से लेके पेट तक इतनी ठंडक आपको पहुँचेगी। तो आपको करना क्या है, आप अपने जग में जो भी आप बनाएं, और ये आप बनाइएगा इफ्तार से 15 मिनट पहले, ठीक है, उससे ज़्यादा पहले नहीं बनाइएगा। आपने एक कप जितनी आपने आइस क्यूब्स डाल दिए, उसके बाद आपने जो लाल शरबत आप इस्तेमाल करते हैं वो आपने लाल शरबत डाल दी 1/2 कप, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें पानी डाला, दो से 2.5 कप, और आपने इसमें हर्बियन का फाइबरलेक्स बेहतरीन क्वालिटी, इनके पास बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, लेमन है, नेचुरल है, मिक्स फ्रूट है, ऑरेंज है, आप कोई सा भी ले लें, लेकिन लाल शरबत के साथ जाएगा नेचुरल, ठीक है। प्लस इनके पास इनका लिंकस का कॉफ सिरप है, हर्बियन का जो शानदार आ चुका है, प्लस इनका चेस्ट रब बाम है, और इनका कॉफ सिरप है, और ये इनका टूथ रस है, मतलब ये भी कॉफ सिरप, ये बहुत अच्छा। तो आप, और बच्चों के लिए तो खासकर जो आजकल सर्दियां हैं, तो आप उनको खांसी भी होती है, तो आप चेस्ट पे हल्का सा रब करें बाम इनका, और उनको गरम पिला के सुनाएं, और नीचे भी पाँव के तलवों पे चेस्ट रब करके और मोज़े पहना दें, आप यकीन करें खांसी बंद हो जाती है। इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून और ये आप इफ्तार इससे खोलें, आपको इतनी ठंडक पहुंचेगी ना आप सोच नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम माय डियरेस्ट आपा जी, आप कैसी हैं? आप कौन बोल रही हैं? मैं कराची से अफरोज आंटी, मैं तो बच्चों को आंटी कह रही थी, मैं अफरोज बोल रही हूँ। जी बोलिए। आपकी वही गुजराती कॉलर? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, मैंने कहा आप ही डिजर्व करती थी ये अवार्ड, आपको बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत। हाँ, क्योंकि मैं दरअसल सुगर औरतों को बहुत पहचानती हूँ, आप वन ऑफ द बहुत बेस्ट सुगर औरत है, माशाल्लाह हर चीज में आपका सुघड़ापन नजर आता है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, खाने में तो आता ही आता है, लेकिन वैसे हर चीज में मैं आपकी बहुत चीजें नोट करती हूँ। इसका क्रेडिट जाता है मेरी माँ को। एग्जैक्टली ये बात मैंने आपसे एक दफा पहले भी कही थी कि यू आर अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वुमन, माशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ, और हम अल्लाह पाक हमारी माओ को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन, और बाप को भी। जी बिल्कुल, माँ बाप को जो हमारे गुजर गए हैं उनको, क्योंकि ये सारी उन्हीं की तरबियत नजर आती है इंसान में, नो डाउट, स्पेशली औरत में, बिल्कुल नो डाउट। जो औरत सुगर नहीं है उसको वो मुझे नहीं पसंद। बिल्कुल। अच्छा आपा, मैं आपके डायरेक्टर साहब से भी कहूंगी कि आपके लिए एक छोटा सा जग रख दें, इतने बड़े जग से आप मत उठाया करें पानी। अच्छी बात है, ठीक है, ये वाला रखवाऊंगी ये। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आपने वो जो गेहूं के आटे का मलीदा बनाया था ना? जी 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 जी। तो मैं दरअसल डायबिटिक हूँ बहुत पुरानी, तो हाँ। मैंने उसको जौ के आटे से बनाया था। अच्छा, जबरदस्त।
एंड इट केम आउट सो डिलीशियस कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा जबरदस्त, मैं भी ट्राई करूंगी जी। मैंने चीनी गुड़ के अलावा उसमें खजूर डाल दिए थे। अच्छा ओके माशाल्लाह। हाँ तो मैंने अपना डायबिटिक बना के खाया। मैंने आपको बहुत दुआएं दी। थैंक यू जी। क्योंकि मेरी नानी जो थी अल्लाह उनको करी के रहमत करे, वो बाजरे का बनाती थी। अच्छा ओके ओके, बहुत मजे का। बहुत शुक्रिया फिरोज, जीते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, इतनी तारीफें करने का बहुत शुक्रिया। मेरी माँ बहुत सख्त थी इन मामलों में, और हमको तो इतनी इजाज़त नहीं थी कि हम जब बड़ों मेरी माँ के पास कोई मेहमान आ जाए, चाची आ जाए, फुप्पी आ जाए, कोई उनके मेहमान आ जाए, हमें इतनी इजाज़त नहीं थी कि हम माँ के जब उस जिस कमरे में मेहमान है हम वहाँ चले जाए। अगर चले भी जाएँ तो हमें आँख दिखाती थी कि बाहर जाओ। बहुत बहुत हमें तमीज़ सिखाई अल्हम्दुलिल्लाह। और खाना पकाने मुझे बिल्कुल नहीं आता था जब मेरी शादी हुई, और हमेशा कहती थी ससुराल जाके मेरी नाक कटवाओगी तुम, लेकिन बस वो है नहीं मुझे देखने के लिए इस स्टेज पे, क्या कर सकते हैं। लेकिन खैर अल्लाह करे उनको पता हो वहाँ पे। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी टेबल आप लोगों के लिए ख़ास सज चुकी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपीज़, और मुझे फिर बताइएगा कैसी बनी। देखें इतनी आसान चीज़ें थी, आप पुलाव देखें और इसमें ज़रा भी हरा मसाला नहीं है। और मुझे एक कॉलर ने पूछा कि हुमैरा ने मुझसे पूछा, मेरू ने, कि इसका नाम आपने सब्स क्यों रखा, इसमें तो कोई सब्स है ही नहीं, सब्स मसाला। मैंने इसलिए इसका नाम सब्स रखा है बेटा कि सबसे सब्जियाँ, सब्जियों का पुलाव है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और आप देखें कितना हसीन, एक एक चावल खिलावा और सब्ज़ी एक एक खिली हुई। प्लीज़ सब्ज़ी को ओवर कुक नहीं करना है कि वो बिल्कुल गल के पुलाव की शक्ल ख़राब हो जाए, नहीं, खिली खिली रहनी चाहिए सब्ज़ी और चावल भी, ठीक है। और ब्राउनीज़ मैंने काट दिए, निकालने की कोशिश की, नहीं निकल रही बिकॉज बहुत गर्म है। मैं निकल तो जाएगी लेकिन टूट जाएगी तो उसकी शक्ल ख़राब हो जाएगी, लेकिन मैंने काट दिया है स्क्वायर्स में, ठीक है। उसके बाद में हमारा देगी चिकन का आप शक्ल देखें, प्लीज़ शीरमान मंगवा लीजिएगा या ताफ्तान मंगवा लीजिएगा और उसके साथ खाइएगा। मैं जब इसको घर में बनाती हूँ मैं लाजमी इसमें 1 teaspoon केवड़ा वाटर ज़रूर डालती हूँ। आई लव द फ्लेवर ऑफ केवड़ा। बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है तो आप नहीं डालिए, ठीक है। और ये हमारा हर्बियन का बेहतरीन सा लाल शरबत का ड्रिंक जो कि आपको ऐसी तस्कीन पहुंचाएगा इंशाल्लाह। रमज़ान में आगे बड़े दिन भी आ रहे हैं, आप रजब में भी रोज़े रखते हैं, शाबान में भी रखते हैं, तो आप इसके साथ रोज़ा खोलिएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, आई होप आपको ये तीनों रेसिपीज़ बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मेरी कोशिश थी कि मैं इसको बार बार रिपीट कर दूँ, और अगर फिर भी आपको नहीं आती है तो इंशाल्लाह ताला दोपहर में 3 बजे तक हमारे पेज अपलोड कर दिया जाता है। पहले पेज पे सारी रेसिपीज़ डाल दी जाएंगी, आप मसाला मॉर्निंग्स का पेज लाइक कर लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाया करेगी। या आज का शो शाम 6:30 बजे कराची के टाइम के मुताबिक रिपीट होगा, तो आप उस वक्त देख सकते हैं, रात 2 बजे देख सकते हैं, या फिर कल सुबह इंशाल्लाह ताला 7:30 बजे देख सकते हैं। 3 टाइम शो रिपीट होता है, 1 टाइम लाइव आता है, आपकी कन्वीनियंस पे है, आप जिस वक्त देखना चाहो आप उस वक्त देख सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू करती हूँ तमाम उन लोगों का जो मुझे कॉल करते हैं, ओवरसीज़ कॉल इतनी आती है मेरे शो पे जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। आप लोगों के लिए लोकल कॉल्स वालों जो उनसे करते हैं, इतनी मोहब्बत दिखाते हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं रीकैप ब्रेक की तरफ। हो सकता है कोई चीज़ रह गई हो तो आप चल के हमारी आज की तीनों रेसिपीज़ का रीकैप दें। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। आई होप आपको आज का सिंपल क्विक एंड इजी रेसिपीज़ वाला शो समझ आ गया होगा। आप देखें देगी कोरमा कितना आसान था, सिर्फ आपको एक मसाला पीसना है बस, जिससे सारी जान आ जाती है, और दूध डालने से जो इसका रिच फ्लेवर आता है, क्रीम नहीं है, दूध है, ठीक है। तो आप ज़रूर बनाइए। और शीरमाल, बार बार मैं कह रही हूँ, शीरमाल या
ताफ्तान के साथ इसको सर्व कीजिएगा। ये तंदूरी नान और घर की रोटी के साथ इतना मज़े का नहीं लगेगा। और पुलाव वेरी सिंपल, आप आज भी सबके घर में सारी चार पांच सब्जियां मौजूद हैं, आप आज भी बना सकते हो। और ब्राउनीज बेकिंग लवर्स के लिए है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ वक्त है टू वाइंड अप द शो। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हम सबको दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। अल्लाह हाफिज़।